हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनिल सांगवान, स्वागत है दोस्तों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम बाइनेंस एक्सचेंज पे एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं। जो एपीआई की होती है दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो एपीआई की और सीक्रेट की होती है वो क्या होती है। एपीआई की और सीक्रेट की आपके अकाउंट की होती हैं, जिससे आपके अकाउंट को एक्सेस किया जाता है। किस काम आती हैं वो? आप अपना अकाउंट का एक्सेस किसी दूसरे पर्सन को दें कि वो हमारे अकाउंट को एक्सेस करे, ठीक है, हमारे अकाउंट से ट्रेडिंग करे। लाइक आप किसी बोट से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप किसी ट्रेडिंग फॉर्मेट से कनेक्ट करना चाहते हैं कि वो फॉर्मेट, वो बोट हमारे अकाउंट को एक्सेस करके हमारे अकाउंट से ट्रेडिंग करे। और भी बहुत से यूज होते हैं एपीआई की और सीक्रेट की को। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं जो न्यू यूजर हैं उनके लिए कि बाइनेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले आपको बता दें, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको ये फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। खाली आपको क्या करना है, अपना मेल आईडी डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और रेफरल कोड डालना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करते ही, क्रिएट अकाउंट क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा इनपुट कोड। आपके मेल आईडी पे जो मेल आईडी डाला है उस पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वो कोड कॉपी करके वहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सबमिट का। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। अब इसमें एपीआई की कैसे क्रिएट करते हैं, आप अपना जो मेल आईडी डाला है वो मेल आईडी डालिए और पासवर्ड डाल के सबमिट कर दीजिए। जैसे इस तरह का फॉर्मेट आएगा लॉगिन के लिए। आप अपना मेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। आपने जो मेल आईडी डाला है उस पर फिर वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वो कोड सबमिट करते ही आपका अकाउंट है जो लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है, कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर राइट साइड में टॉप पे देखिए, यहाँ पे एक अकाउंट का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, जो गोल गोल चक्कर है इस पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एपीआई मैनेजमेंट, ये ऑप्शन। जैसे ही आप एपीआई मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं, आपको एपीआई मैनेज क्रिएट करने के लिए लेबल पूछेगा। आप उस लेबल में अपना नाम भी डाल सकते हैं, जिस फॉर्मेट से कनेक्ट करना चाहते हैं उस फॉर्मेट का नाम भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर गिव एपीआई लेबल, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दिया क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है, और क्रिएट पे बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने जैसे आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी या गूगल ऑथेंटिकेटर कोड लगा रखा है तो उसका वेरिफिकेशन पूछेगा। यहाँ पे आपके पास मैसेज मेल आईडी पे भी आएगा, अगर मोबाइल नंबर अटैच कर रखा है तो वो भी आएगा। तो यहाँ पे है 4590016, ठीक है। और फिर जो मेल आईडी है दे रखी है, वो मेल आईडी पे जो कोड जाएगा वो डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से आपके पास में से है क्रिएट न्यू एपीआई की के लिए इस तरह कोड आता है। ये कोड को कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ई भी इसको मिनिमाइज कर लीजिए और बिल्कुल नीचे, यहाँ पे देखिए बिल्कुल नीचे सबमिट का बटन है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, आपका एपीआई क्रिएट हो जाएगा। ये दोस्तों जो एपीआई की है और सीक्रेट की है, ये आपका रेडी हो गया। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने फॉर वीडियो बनाने के लिए क्रिएट किया है और वीडियो के बाद मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर दूँगा। डिलीट का भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आपको API की और सीक्रेट की मिल जाएगा और आपका बार कोड वो मिल जाएगा, ठीक है। ये API की होती है, ये सीक्रेट की होती है। अब आपको किसी को एक्सेस करने के लिए देना है अपना अकाउंट, जैसे बोट ट्रेडिंग के लिए देना है किसी को, तो आप एडिट, ये देखिए एडिट रिस्ट्रिक्शन में जाके इस पर क्लिक कीजिए, एडिट रेड। और यहाँ पर क्या क्या इनेबल करना है आपको, खाली इनेबल ये जो ऑप्शन है ना, इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, इसको इनेबल करना है। यहाँ पर यहाँ भी टिक करना है,
और ये पूरा और जो इनेबल विड्रॉल नहीं करना है, इनेबल फ्यूचर नहीं करना है, जो भी करना है ट्रेडिंग ट्रेडिंग का करना है, जैसे इनेबल स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग और इनेबल फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। तो इन दोनों को करना है इनेबल, और ये जो विड्रॉल का ऑप्शन है ये कभी भी इनेबल करके नहीं देना है, ठीक है। इसको ऐसे ही खाली रहने देना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ खाली, इन दोनों चीज़ों को करना है, इनेबल स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग और इनेबल फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। और इसको सेव कर देना है यहाँ से, सेव। सेव के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास फिर वेरिफिकेशन कोड जाएगा, फिर वेरिफिकेशन कोड जाएगा। ये देखिए जो मोबाइल नंबर दे रखा है उस पर सेंड कोड कर देना है, फिर एक कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे डालते ही ये देखिए 64 79 96, ठीक है। ये देखिए API सेव हो गया है। अब हमारा ऑप्शन क्या क्या चालू है, यहाँ पे इनेबल ट्रेडिंग ट्रेडिंग का ऑप्शन है। तो इस तरह से API की को क्रिएट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। आप अपना API की ऐसे क्रिएट करके और अपना जो ट्रेडिंग का एक्सेस है बोट वगैरह को, या और भी काफ़ी यूजेज हैं, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे API क्रिएट करते हैं बायनेंस अकाउंट पे। तो होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, हेल्पफुल हो अपने फ्रेंड को भी रेफ़र कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।